नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो हिंदी नाटक और नाटककारों के बारे में बनाया गया वीडियो है, और साथ ही साथ पांच रचनाकारों की रचनाएं भी लास्ट में दी गई हैं। तो कुल मिलाकर वीडियो है वो 81 प्रश्न हैं, वो नाटकों के हैं, और साथ ही साथ जो बाकी के प्रश्न हैं वो तीन चार रचनाकारों से संबंधित प्रश्न हैं, 24 प्रश्न वो हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, पाखंड विडंबन, कपूर मंजरी, रत्नावली, विद्यासुंदर और धनंजय विजय। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस प्रकार के नाटक हैं? तो मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, पाखंड विडंबन, कपूर मंजरी, रत्नावली, विद्यासुंदर, धनंजय विजय, भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस प्रकार के नाटक हैं? तो दोस्तों, ये सारे के सारे भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनूदित नाटक हैं, अनूदित नाटकों की श्रृंखला में आते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कौन सा अनूदित या नाटक है या नहीं है, या मौलिक नाटक है। तो इनको अगर हटा दें तो बाकी के मौलिक नाटक बच जाते हैं। तो मुद्रा राक्षस है वो अनूदित है, दुर्लभ बंधु अनूदित है, पाखंड विडंबन अनूदित है, कपूर मंजरी अनूदित है, रत्नावली अनूदित है, विद्यासुंदर भी अनूदित है और धनंजय विजय भी अनूदित है। चलिए, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कोणार्क, नाटकों के नाटककार का नाम बताइए। शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कोणार्क, नाटकों के नाटककार का नाम बताइए। जगदीश चंद्र माथुर की ये नाटक हैं, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कोणार्क। चलिए, उज्बक नाटक के नाटककार का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उग्र का ये नाटक है, उज्बक। उज्बक नाटक है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र का नाटक है। अंधायुग नाटक की रचना किसने की? धर्मवीर भारती ने की, और ये काव्य नाटक है। और काव्य नाटक उसे कहते हैं जो पद्य में लिखा गया हो। तो अंधायुग है वो काव्य नाटक है धर्मवीर भारती का। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक की रचना किसने की? लाला श्रीनिवास दास ने की थी। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक की रचना लाला श्रीनिवास दास ने की थी। द्रौपदी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। सुरेंद्र वर्मा का ये नाटक है जिसका नाम है द्रौपदी। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार का नाम बताइए। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार का नाम हरिकृष्ण प्रेमी है, हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है रक्षाबंधन। ललित विक्रम नाटक के नाटककार का नाम बताइए। वृंदावन लाल वर्मा का ये नाटक है ललित विक्रम। संयोगिता स्वयंवर नाटक की रचना किसने की? श्रीनिवास दास ने की थी। लाला श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर नाटक की रचना की थी। आंधी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। ये प्रश्न मेरे हिसाब से मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन इसको छोड़िए, आगे देखते हैं। राखी की लाज नाटक के नाटककार का नाम बताइए। वृंदावन लाल वर्मा का ये नाटक है राखी की लाज। नायक खलनायक विदूषक, नायक खलनायक विदूषक नाटक की रचना किसने की? सुरेंद्र वर्मा ने। नायक खलनायक विदूषक नाटक की रचना सुरेंद्र वर्मा ने की। प्रहलाद चरित्र, प्रहलाद चरित्र नाटक की रचना किसने की? लाला श्रीनिवास दास ने प्रहलाद चरित्र नाटक की रचना की। नीलकंठ नाटक के नाटककार का नाम बताइए। वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है नीलकंठ। प्रतिशोध नाटक के नाटककार का नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है प्रतिशोध, प्रतिशोध नाटक है वो हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। आठवां सर्ग नाटक के नाटककार का नाम बताइए। ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है आठवां सर्ग। तो दोस्तों, एक पार्ट में तो ये नाटकों के पूरे नहीं होंगे, लेकिन दूसरा पार्ट है वो जल्दी ही आपके सामने अपलोड किया जाएगा। तो दो तीन वीडियो में ये नाटकों के सारे प्रश्न जितने भी बनते हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो आठवां सर्ग नाटक के नाटककार का नाम बताइए सुरेंद्र वर्मा। तप्ता संवरण नाटक की रचना किसने की? तप्ता संवरण नाटक की रचना लाला श्रीनिवास दास ने की थी। तप्ता संवरण नाटक की रचना लाला श्रीनिवास दास ने की थी। केवल नाटक की रचना किसने की? वृंदावन लाल वर्मा ने केवल नामक नाटक की रचना की थी, वृंदावन लाल वर्मा ने। समाधि नाटक के नाटककार का नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर का नाटक है समाधि, समाधि है वो विष्णु प्रभाकर का नाटक है। वितस्ता की लहरें
वितस्ता की लहरें हैं नाटक के नाटककार का नाम बताइए। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है वितस्ता की लहरें। वितस्ता की लहरें नाटक है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। डॉक्टर नाटक के नाटककार का नाम बताइए। डॉक्टर नाटक के नाटककार का नाम विष्णु प्रभाकर है। विष्णु प्रभाकर का नाटक है जिसका नाम है डॉक्टर। देखा देखी नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है देखा देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप नाटक की रचना किसने की? राधा कृष्ण दास ने महाराणा प्रताप नाटक की रचना की थी। राधा कृष्ण दास ने महाराणा प्रताप नाटक की रचना की। युगे युगे क्रांति नाटक के नाटककार का नाम बताइए। युगे युगे क्रांति तो ये विष्णु प्रभाकर का नाटक है युगे युगे क्रांति। सौपन भंग नाटक के नाटककार का नाम बताइए। सौपन भंग नाटक के नाटककार का नाम हरिकृष्ण प्रेमी है। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है सौपन भंग। चलिए टूटते परिवेश नाटक के नाटककार का नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर का नाटक है टूटते परिवेश। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का नाटक है। महारानी पद्मावती नाटक की रचना किसने की? राधा कृष्ण दास ने महारानी पद्मावती नाटक की रचना की। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे नाटकों की रचना किसने की? तो दो नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे नाटकों की रचना तो सभी को ज्ञात होगा मोहन राकेश ने। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे नाटकों की रचना की। फूलों की बोली, फूलों की बोली है ये के स्थान पर की है तो यहाँ पर की पढ़ लें। नाटक के रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है फूलों की बोली। सन्यासी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। सन्यासी नाटक के नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है सन्यासी। धर्मालाप नाटक की रचना किसने की? धर्मालाप तो धर्मालाप नाटक की रचना राधा कृष्ण दास ने की थी। राधा कृष्ण दास ने धर्मालाप नाटक की रचना की थी। लहरों के राजहंस नाटक की रचना किसने की? मोहन राकेश ने की। मोहन राकेश के तीनों नाटकों के नाम हमने पढ़ लिए हैं। लहरों का राजहंस, आधे अधूरे और एक और था ऊपर तो याद हो गया होगा। चलिए आहुति नाटक के नाटककार का नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी। आहुति नाटक के नाटककार का नाम हरिकृष्ण प्रेमी है। पूर्व की ओर नाटक के लेखक का नाम बताइए। वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है पूर्व की ओर तो पूर्व की ओर नाटक है वो वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है। दुखिनी बाला, दुखिनी बाला नाटक की रचना किसने की? राधा कृष्ण दास ने दुखिनी बाला नाटक की रचना की थी। चलिए राक्षस का मंदिर नाटक की रचना किसने की? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने राक्षस का मंदिर नाटक की रचना की थी। निस्तार नाटक की रचना किसने की? निस्तार नाटक की रचना किसने की? वृंदावन लाल वर्मा ने निस्तार नाटक की रचना की थी। विस्तारणीय निस्तार। दमयंती स्वयंवर नाटक की रचना किसने की? बालकृष्ण भट्ट ने दमयंती स्वयंवर नाटक की रचना की थी बालकृष्ण भट्ट ने। विष्पान नाटक के नाटककार का नाम बताइए। विष्पान हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है विष्पान। वेणी सहार नाटक की रचना किसने की? वेणी सहार नाटक की रचना बालकृष्ण भट्ट ने की थी तो वेणी सहार नाटक की रचना बालकृष्ण भट्ट ने की। बीरबल नाटक के नाटककार का नाम बताइए। तो वृंदावन लाल वर्मा ने बीरबल नाटक की रचना की थी। बीरबल नाटक की रचना वृंदावन लाल वर्मा ने की थी। मुक्ति का रहस्य नाटक की रचना किसने की? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने मुक्ति का रहस्य नाटक की रचना की थी। कलिराज की सभा, कलिराज की सभा नाटक की रचना किसने की? बालकृष्ण भट्ट ने कलिराज की सभा नाटक की रचना की थी। शपथ नाटक के नाटककार का नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है शपथ। शिक्षादान नाटक की रचना किसने की? बालकृष्ण भट्ट ने शिक्षादान नाटक की रचना की थी। बालकृष्ण भट्ट ने शिक्षादान नाटक की रचना की थी। सिंदूर की होली नाटक की रचना किसने की? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सिंदूर की होली नाटक की रचना की थी। रेल का विकट खेल नाटक की रचना किसने की? बालकृष्ण भट्ट ने रेल का विकट खेल नाटक की रचना की थी। विजय स्तंभ नाटक के नाटककार का नाम बताइए। विजय स्तंभ नाटक के नाटककार का नाम हरिकृष्ण प्रेमी है। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है विजय स्तंभ। बाल विवाह नाटक की रचना किसने की? बालकृष्ण भट्ट का नाटक है बाल विवाह है। बाल विवाह नाटक है वो बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। चलिए गरुड़ ध्वज
नाटक के नाटककार का नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है गरुड़ ध्वज। देश दशा नाटक की रचना किसने की? गोपाल राम गहमरी ने देश दशा नाटक की रचना की थी, गोपाल राम गहमरी। कीर्ति स्तंभ नाटक के नाटककार का नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ नाटक है वो हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। जैसे कु तैसा नाटक की रचना किसने की? गोपाल राम गहमरी ने जैसे कु तैसा नाटक की रचना की थी। दशाश्वमेध नाटक की रचना किसने की? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने दशाश्वमेध की रचना की थी। चार बेचारे नाटक की रचना किसने की? पांडे बेचैन शर्मा उगड़ ने चार बेचारे नाटक की रचना की थी। विदा नाटक के नाटककार का नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है विदा। विदा है वो हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। अमर सिंह राठौड़ नाटक की रचना किसने की? राधा चरण गोस्वामी ने अमर सिंह राठौड़ नाटक की रचना की थी। राजयोग नाटक के नाटककार का नाम बताइए। राजयोग नाटक के नाटककार का नाम लक्ष्मी नारायण मिश्र है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है राजयोग। बूढ़े मुंह है मुहासे लोग देखें तमाशे। तो बूढ़े मुंह है मुहासे लोग देखें तमाशे नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। राधाचरण गोस्वामी का नाटक है बूढ़े मुंह है मुहासे लोग देखें तमाशे। मुंह है यहाँ पर और आएगा बूढ़े मुंह है मुहासे लोग देखें तमाशे। आन का मान नाटक की रचना किसने की? हरिकृष्ण प्रेमी ने आन का मान नाटक की रचना की थी। आन का मान नाटक की रचना हरिकृष्ण प्रेमी ने की थी। गरीबी और अमीरी, गरीबी और अमीरी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। गरीबी और अमीरी नाटक के नाटककार का नाम सेठ गोविंदास है। सेठ गोविंदास का नाटक है अंधेर नगरी। और ये देखिए प्रहसन भी है, तो प्रहसन रूपी नाटक है। तो नाटककार के रचनाकार का नाम बताइए। अंधेर नगरी एक छोटा प्रहसन है और इस प्रहसन के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये प्रहसन रूपी नाटिका है। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। ये राधाचरण गोस्वामी जी का नाटक है तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। राधाचरण गोस्वामी जी का नाटक है। नील देवी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है और ये मौलिक नाटक है। अनूदित नाटकों का जिक्र हम ऊपर कराए हैं और अब जो नाटक के संबंधित प्रश्न देख रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, वो सारे मौलिक नाटक हैं। नील देवी नाटक के नाटककार का नाम बताइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। संतोष कहाँ, संतोष कहाँ नाटक के नाटककार का नाम बताइए। संतोष कहाँ, तो ये सेठ गोविंदास का नाटक है। संतोष कहाँ नाटक है वो सेठ गोविंदास का नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार का नाम बताइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। और इस नाम से दो नाटक हैं दोस्तों। और दूसरा नाटक किसने लिखा है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। भारत दुर्दशा नाम से दो नाटक हैं, दोनों के प्रश्न मैंने पहले वीडियो में भी दिए हैं और अगर आपने पढ़ा है तो दूसरा जो भारत दुर्दशा है वो किसका लिखा हुआ है कमेंट जरूर करें। चलिए अमृतपुत्री नाटक की रचना किसने की? हरिकृष्ण प्रेमी ने अमृतपुत्री नाटक की रचना की थी। श्री चंद्रावली नाटिका के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह नाटिका है श्री चंद्रावली। श्री चंद्रावली और भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटिका है। सेवा पथ नाटक के नाटककार का नाम बताइए। सेठ गोविंदास का ये नाटक है सेवा पथ। सेवा पथ है वो सेठ गोविंदास का नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नाटककार का नाम बताइए। सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। सती चंद्रावली, सती चंद्रावली नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। तो सती चंद्रावली नाटक है उसके रचनाकार हैं राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी का ये नाटक है सती चंद्रावली। वैदिकी की हिंसा हिंसा न भवती, वैदिकी की हिंसा हिंसा न भवती नाटक के नाटककार का नाम बताइए। तो आपको याद आ गया होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाटक है वैदिकी की हिंसा हिंसा न भवती। छाया बंधन नाटक की रचना किसने की? छाया बंधन नाटक की रचना हरिकृष्ण प्रेमी ने की थी। छाया बंधन नाटक की रचना हरिकृष्ण प्रेमी ने की थी। स्वातंत्रते सिद्धांत, स्वातंत्रते सिद्धांत नाटक की रचना किसने की? सेठ गोविंदास ने की थी। स्वातंत्रते सिद्धांत नाटक की रचना सेठ गोविंदास ने की थी। श्रीदामा नाटक के नाटककार का नाम बताइए। श्रीदामा राधाचरण गोस्वामी का नाटक है। श्रीदामा है वो राधाचरण गोस्वामी का नाटक है। वृहनला नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट का नाटक है वृहन ला।
भार जननी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। भार जननी नाटक के नाटककार का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है भारत जननी। चलिए प्रकाश नाटक के नाटककार का नाम बताइए। प्रकाश नाटक है वो सेठ गोविंदास का नाटक है। प्रकाश नाटक है वो सेठ गोविंदास का नाटक है। सती प्रताप नाटक के नाटककार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाटक है सती प्रताप। सती प्रताप है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। प्रेम जोगिनी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाटक है प्रेम जोगिनी नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। संरक्षक नाटक के नाटककार का नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी का ये नाटक है संरक्षक। संवत परावर्तन नाटक के नाटककार का नाम बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी का ये नाटक है। तो दोस्तों इस वीडियो में 81% नाटकों के देखे हैं, नीचे और भी देखते हैं। और वो प्रश्न है वो रचनाकारों की संपूर्ण रचनाओं से संबंधित देख लेते हैं। तो हर वीडियो में हम थोड़ा अलग अलग परिवर्तन करके चले जाएंगे, एक ही चीज से बोर हो जाते हैं। चलिए अब धर्मवीर भारती के बारे में देख लेते हैं पहले। तो धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ? तो धर्मवीर भारती का जन्म है 1926 में इलाहाबाद में हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म है 1926 में इलाहाबाद में हुआ था। धर्मवीर भारती ने किस के संपादकीय विभाग में काम भी किया? तो संपादकीय विभाग में काम किया धर्मवीर भारती ने, तो यहां पर संगम के। तो धर्मवीर भारती जी ने संगम के संपादकीय विभाग में भी काम किया था। हालांकि इन्होंने जो प्रकाशन किया वो नीचे प्रश्न में देखते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रकाशन किया या संपादन किया वो नीचे प्रश्न है। तो धर्मवीर भारती ने किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में सेवाएं दी? किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में सेवाएं दी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने प्राध्यापक के रूप में सेवाएं दी थी। धर्मवीर भारती ने धर्मयुग का संपादन कब से आरंभ किया? तो ये जो है वो मोस्ट है, यानी धर्मयुग का इन्होंने लंबे समय तक संपादन किया और इनकी प्रसिद्धि का आधार भी धर्मयुग था। 1959 से इन्होंने संपादन है वो आरंभ किया था। धर्मवीर भारती ने धर्मयुग का संपादन 1959 से आरंभ किया था। चलिए ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी वृत्तांत किस पत्र में प्रकाशित हुआ? ये धर्मयुग में प्रकाशित हुआ और बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में है ये। ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी वृत्तांत है वो धर्मयुग पत्र में प्रकाशित हुआ था और 1971 में प्रकाशित हुआ था। छोटी खबर एक बड़ा संदर्भ निबंध के लेखक का नाम बताइए। छोटी खबर एक बड़ा संदर्भ निबंध के लेखक का नाम बताइए। तो ये धर्मवीर भारती जी का निबंध है। छोटी खबर एक बड़ा संदर्भ निबंध है वो धर्मवीर भारती का निबंध है। धर्मवीर भारती की रचनाओं के नाम बताइए। तो धर्मवीर भारती की रचनाएं देख लेते हैं। गुणाओं का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। गुणाओं का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा है वो इनके प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा और गुणाओं का देवता। कनुप्रिया है वो धर्मवीर भारती जी का काव्य संग्रह है। धर्मवीर भारती जी का काव्य संग्रह, उसका नाम क्या है? कनुप्रिया है। चलिए अंधा युग है वो इनका काव्य नाटक है। काव्य नाटक है या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पद्य नाटक है या गीति नाटक है। काव्य नाटक भी है, पद्य नाटक भी कह सकते हैं और गीति नाट्य भी है। चलिए बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, सावित्री नंबर दो, इनके कहानी संग्रह है। धर्मवीर भारती जी के कहानी संग्रह है बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग और सावित्री नंबर दो। तो तीन कहानी संग्रह है, बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, सावित्री नंबर दो। चलिए आगे कहानी सॉरी कहनी अनकहनी, कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय, पश्यंती। तो कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय और पश्यंती, ये इनके निबंध संग्रह है। तो धर्मवीर भारती जी के निबंध संग्रह जिनके नाम है कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय और पश्यंती, ये तीन इनके निबंध संग्रह हैं। चलिए सिद्ध साहित्य प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, ये धर्मवीर भारती जी के समीक्षा ग्रंथ हैं। तो सिद्ध साहित्य प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, ये धर्मवीर भारती जी के क्या हैं? समीक्षा ग्रंथ हैं। समीक्षा ग्रंथ में अगर पूछा जाए तो सिद्ध साहित्य प्रगतिवाद एक समीक्षा और मानव मूल्य और साहित्य, ये तीन रचनाएं हैं, ये तीनों रचनाएं इनके समीक्षा ग्रंथ हैं। चलिए
धर्मवीर भारती का देहावसान कब हुआ? 1997 में धर्मवीर भारती का देहावसान हुआ था। चलिए